आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए विलेज पेज नंबर 15 एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। ये पोस्टर कलर लिखा है, इसके बदले हम क्रेयॉन कलर या फिर पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ट्री के लिए पहले हम यहाँ पे येलो यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने येलो यूज़ किया, यहाँ पे इस तरह। अब क्रेयॉन कलर्स या पोस्टर कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों यूज़ करूँगा, पेंसिल कलर और वैक्स कलर। कलर बाहर जाए वो भी देखना है, यहाँ पे जो बॉर्डर दी गई है उसके बाहर जाना नहीं है। यहाँ पे ट्री का ऊपर का लिप कलर किया, उसके बाद यहाँ पे देखो ब्राउन और ब्राउन यूज करेंगे। ओके, ये ब्राउन लिया। ट्री को फिनिश किया, उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी ट्री यहाँ पे ऊपर दी गई है, ऊपर से येलो। और यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज करेंगे। इसके बाद माउंट अमाउंट हो गया। यहाँ पे हाउस यहाँ पे हफ्तन करना है ट्री में। यहाँ पे ब्लैक कलर,
यहाँ पर ब्लैक विंडो में ट्री में ग्रीन थोड़ा येलो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्काई इस तरह कलर को घुमाना है। यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना है, लाइट ग्रीन एकदम लाइट। यहाँ पे थोड़ा येलो कलर करना है इस तरह। इस तरह से वापस यहाँ पे येलो
तो इस तरह पिक्चर कंप्लीट करना है। और उसके बाद स्केच, ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक क्रेयॉन कलर या ब्लैक पेंसिल कलर से उसको बॉर्डर करना है इस तरह। क्रेयॉन कलर से भी कर सकते हैं आउटलाइन। मैंने यहाँ पे स्केच पेन और क्रेयॉन कलर दोनों ब्लैक यूज किए हैं। तो इस तरह ब्लैक आउटलाइन करके पूरा पिक्चर को फिनिश करना है। थैंक यू।